वशिष्ठ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ जेडीयू ने खुला पत्र जारी किया है। जी हां, खुला पत्र क्या उसमें है ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये खुला पत्र क्यों जारी किया गया है। दरअसल जिस तरह से राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद जेडीयू ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, परिवारवाद की बात शुरू कर दी और जेडीयू ने अब खुला पत्र जारी कर दिया है नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। और उस नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो उन्होंने खुला पत्र जारी किया है उसमें परिवारवाद को मुखर तौर पर उठाया गया है कि परिवार वाली पार्टी है आरजेडी, और ये बात बीजेपी भी कहती रही है और हमला बोलती रही है लालू परिवार पर। तो इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधे सीधे जेडीयू के निशाने पर हैं और ए टू जेड जेडीयू ने कहा है कि खुद को ए टू जेड की पार्टी बताती है आरजेडी, लेकिन उनका ए टू जेड क्या है ये बताया है जेडीयू ने पत्र के जरिए। क्या कुछ लिखा है पत्र में आपको हम पत्र दिखाते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि ए टू जेड जो परिभाषित किया है जेडीयू ने आरजेडी के लिए वो क्या है। तो जो पत्र में लिखा गया है कि ए से लालू यादव, यानी जो आरजेडी का ए है वो लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बी हैं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, सी हैं राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, और उसके बाद डी दलित समाज में राजद के लिए कोई स्थान नहीं है। ABCD पढ़ा रही है जेडीयू, बता रही है कि किस तरह से आरजेडी का ए टू जेड, यानी जो तेजस्वी यादव बार बार कहते रहते हैं कि ये ए टू जेड की पार्टी है, यानी तमाम दलों तमाम जातियों को वो साथ लेकर तमाम धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि आपको बताएं कि लालू यादव के वक्त में माई समीकरण जो है आरजेडी का हुआ करता था, माई यानी मुस्लिम और यादव, पर तेजस्वी युग में माई समीकरण बदल गया और ए टू जेड की पार्टी बताने लगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लेकिन इस ए टू जेड पर अब सवाल खड़े कर रही है जेडीयू और बता रही है कि उनका ए टू जेड क्या है, ABCD क्या है। तो ABCD में डी से दलित समाज के लिए राजद में कोई स्थान नहीं है, ई से EBC समाज को राजद ने अपने संगठन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है, और इफ से फॉरवर्ड समाज सिर्फ राजद में दिखावे की वस्तु बन के रह गए हैं। ये बता रहा है जेडीयू के तरफ से बताया जा रहा है जो खुला पत्र जारी किया गया है नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। उसमें जी से जनरल सामान्य जनता के लिए राजद का दरवाजा बंद है, यानी जो ABCD है ए टू जेड वाला फॉर्मूला आरजेडी का है उसे धता बता रही है जेडीयू और साफ कह रहे हैं कि यही है राजद का ABCD। तो ये लेटर में जारी किया गया है। लेटर में और भी बहुत कुछ लिखा गया है जो जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने इसे जारी किया है, और उनका कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं और हर कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, हमला बोला है। और राजद में तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव 2020 से टिकट बांटने का अवसर प्राप्त हुआ है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को ए टू जेड पार्टी बनाने का अभियान चला रहे हैं जो केवल छलावा भर है। तो साफ साफ ए टू जेड पर सवाल खड़े कर दिए हैं जेडीयू ने। और भी कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल में धनबल और बाहुबल की का जोर है, धनबल और बाहुबल की पार्टी बन गई है आरजेडी, और राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय परिवार दल है, परिभाषित भी कर दिया गया, नई परिभाषा कर दी गई आरजेडी के लिए जेडीयू की तरफ से कि राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिवार दल है आरजेडी की ये नई परिभाषा गढ़ी गई है। और उन्होंने और भी आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के जरिए पुष्ट करने की कोशिश की है कि ए टू जेड कैसे हैं भाई आप। विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की सूची में बताया है कि अति पिछड़ा वर्ग से 25, यादव 58, मुस्लिम 17, सवर्ण 12 को प्रत्याशी बनाया था। प्रत्याशियों में सबसे अधिक धन कुबेरों को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये तमाम जो आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, और भी आंकड़े हैं कि 2020 में धन कुबेर, अमरेंद्रधारी सिंह और गुप्ता जो है प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा सांसद बनाया। बिहार विधान परिषद में 2020 के लिए प्रेमचंद, धनकुबेर, फारूक शेख, सुनील सिंह, प्रोफेसर रामबली सिंह को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया। यानी तमाम वो जो बात ए टू जेड की बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उसकी पोल खोलने की कोशिश जेडीयू ने की है, पुरजोर कोशिश की है और बताया है कि आरजेडी का ए टू जेड क्या है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।